हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो आपको मैंने ट्रेंड वाला बताया, कंपेरेटिव बताया, तो ऐसे इसमें कॉमन साइज भी है। तो सबसे पहले सेल्स से शुरुआत करने का राइट इन्फॉर्मेशन दिया है और स्टार्ट करते हैं। सेल्स 1,20,000 है, ठीक है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो सेल्स का अमाउंट कितना दिया है, 1,20,000। सेल्स को टॉप में लिख दिया 1,20,000, ठीक है। अभी इधर क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड और क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, माइनस होएगा। किसमें आएगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा। तो इधर लिख देंगे हम, राइट। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा, परचेस। परचेस के बाद वेजेस भी इधर आएगा, कैरेज इनवर्ड भी दिया है राइट, वो भी इधर आएगा। और माइनस क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, माइनस। अभी अमाउंट लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 21,600। ये 21,600 है और ये 87,613,200। और कैरेज इनवर्ट दिया है 4,800। कैरेज इनवर्ट 4,800। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 36,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 36,000। और ये इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व बाद में करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया अपने को, नीचे दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस 24,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता मालूम है क्या, फाइनेंस, सेलिंग, तो उसका डायरेक्ट टोटल ही दिया 24,000 है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 24,000। तो ये एक्सपेंस है बिजनेस का ऑपरेटिंग, तो यहाँ लिख दिया, ये भी माइनस होता, ठीक है। तो बाद में अभी अपन माइनस करेंगे। तो उसके बाद अपने को क्या दिया मालूम है क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट साइड में दिया है। तो ये अपना इनकम होता है, पैसा आ रहा है, तो ये अपना क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। वैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचा तो 6,000 लॉस हुआ, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो 15,600 क्या हो गया, तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है राइट, 15,600। वैसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, 6,000 तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एसेट बेचते वक्त 6,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। इधर इनकम टैक्स प्रोविजन दिया अपने को, टैक्स भी दिया 2,400। कितना दिया टैक्स, 2,400। तो टैक्स लिख दिया मैंने 2,400, ठीक है। टैक्स भी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अभी अपने को क्या करने का, सॉल्व करके आंसर लाने का, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो, अभी अपने को नेट प्रॉफिट भी दिया, सॉल्व करके कितना आंसर आना चाहिए, 12,000 आना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मेट सीखा ना, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स को सॉल्व करेंगे, सब ऐड करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे ना, तो अपने को कितना मिल रहा है मालूम है क्या, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला 36,000। कितना मिला कॉस्ट ऑफ सेल, 36,000। ये अपना हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चारों ऐड किया 36, चारों ऐड किया और ये माइनस किया है, तो कुछ 91,200 आएगा, सॉरी 91,200। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सेकंड नंबर है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मतलब 1,20,000 में से 1,20,000 में से क्या माइनस किया, 91,200। तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिला 28,800। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 28,800। अब इसमें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 28,800 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, 24,000 माइनस कर देंगे। तो जब 24,000 माइनस करेंगे तो अपने को आ रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,800, इतना इनकम हो गया। अब 15,600 ऐड करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे। क्यों 15,600 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इनकम है अपने पास, इन्वेस्टमेंट बेच के, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया और ये एसेट बेचा, वो भी लॉस में बेचा तो लॉस हुआ, ठीक है। तो 4,800 को 15,600 ऐड किया और 6,000 क्या किया, माइनस किया, तो अपने को मिला 20,400। फिर टैक्स दिया था 24,000 है ना, टैक्स कितना दिया था, 24,000। टोटल गलत ही लिख दिया, ठीक है, 14,400 आ रहा है, 14,400 वापस से 15,600 में से 6 माइनस होगा, 4,800 ऐड, मतलब ये और ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये क्या आएगा, माइनस होगा। अब इसमें से 2,400 माइनस करेगा तो आपको 12,000 क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज सीख रहे हैं, तो कॉमन साइज में परसेंटेज भी लिख लेंगे। तो परसेंटेज कैसे आएगा मालूम है क्या, जो सेल है ना सेल, उधर 100 लिखने का, सेल की जगह पे क्या लिखने का, 100। अब इसमें परसेंटेज कैसे आएगा आपको याद करना पड़ेगा, हर अमाउंट को सेल से डिवाइड करना है। जैसे 21,600 है ना, 21,600 को किससे डिवाइड करेंगे, सेल्स से राइट। तो इधर मैं लिख देता हूँ राइट, ईच अमाउंट, हाँ ईच अमाउंट को, हर अमाउंट को किससे डिवाइड करेंगे, सेल्स से, और इनटू 100। तो 21,600 डिवाइड बाय 1,20,000, तो अपने को कैल्सियम में 18 मिलेगा। फिर कैल्सियम में टाइप करो 87,600 डिवाइड बाय 1,20,000, तो आपको 73 मिल रहा है। फिर ये कैसे आएगा, 13,200 डिवाइड बाय 1,20,000, आपको कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सेम 4,800 को किससे डिवाइड करेंगे, 1,20,000 से, तो आपको 4 आ जाएगा। तो ऐसा कब सब करके सबको डिवाइड करने का, तो मान लो मुझे इसका निकालने का, किसका, 15,600 का निकालने का। तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं,
15,600 डिवाइडेड बाय 1,20,000 है ना, तो अपने को कैलसी में 13 आएगा। अगर उनको लास्ट वाले का निकालने का है तो 12,000 को डिवाइड करेंगे 1,20,000 से, तो अपने को आएगा 10। इस तरह तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट वो भी कॉमन साइज में मैंने सॉल्व कर दिया, राइट। बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, अब मैनेजमेंट अकाउंट का देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब मतलब तुम्हारे लिए काम आसान कर दे, एकदम सिंपल, मतलब 5-6 मिनट में सम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं। सोते सोते भी सम वीडियो को लगा के रात को देख लेगी, तुमको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट स्क्रीनशॉट लेके रख लो, याद करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।